हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले और आज का हमारा वीडियो है एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है एसिड, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल बनाने में। ठीक है, तो एसिड प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग काफी अच्छा से पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको जो चीजें हैं हमेशा के लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये जानना काफी जरूरी है कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, मैं फिर आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन उसका दे देता हूँ। ट्रांजेक्शन क्या है? एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, मीन्स बहुत सारे स्टेटमेंट का एक ग्रुप है, जो या तो सारा का सारा जो स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाता है, या फिर एक भी नहीं होता है। या तो सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाए या फिर एक भी नहीं हो, पार्शियली ट्रांजेक्शन नहीं होता है। मीन्स ये नहीं कि अगर आपको अपने अकाउंट से अपने दोस्त के अकाउंट में अगर 1,000 रुपया भेजना है एक साथ, तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका 900 रुपया चला गया और 100 रुपया नहीं गया, पार्शियली ट्रांजेक्शन नहीं होता है। मीन्स या तो पूरा का पूरा जो 1,000 रुपया है सारा का सारा चला जाएगा, या फिर एक भी नहीं जाएगा, या फिर ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। या तो सक्सेसफुल होगा या फिर क्या होगा, फेल होगा। देखो अब एसिड प्रॉपर्टी क्या है? एसिड प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो बताता है कि ट्रांजेक्शन आपका वैलिड है कि नहीं। अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन वैलिड है, इसका मतलब यही है कि उसने एसिड ACID प्रॉपर्टी को फॉलो किया है। मतलब जो ट्रांजेक्शन ACID एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वही वैलिड ट्रांजेक्शन माना जाता है। क्या मतलब इसका? देखो ए ट्रांजेक्शन इज सेड टू बी वैलिड, किसी भी ट्रांजेक्शन को हम वैलिड तभी कहते हैं इफ इट सेटिस्फाइज एसिड प्रॉपर्टी, अगर वो एसिड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो। अब मैं सारा का सारा जो इसका प्रॉपर्टी है, जैसे एसिड मतलब एटोमिसिटी, ये क्या होता है कैसे करता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। एकदम आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, आपको हमेशा के लिए गारंटिड समझ में आ जाएगा। ठीक है, एटोमिसिटी, एटॉमिक मतलब क्या होता है, एक। एटॉमिक मतलब क्या होता है, एक। दिस सेज आइदर ऑल स्टेटमेंट शुड एग्जीक्यूट और नॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ है एटॉमिसिटी, जैसे एक कोई ट्रांजेक्शन है, कोई ट्रांजेक्शन मैं मान लेता हूँ, जैसे ट्रांजेक्शन में बहुत सारा स्टेटमेंट है, बहुत सारा, इसका मतलब क्या है, एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, जितने भी इसका स्टेटमेंट है या तो सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाए या फिर एक भी नहीं हो। ये नहीं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाए और एक बाकी रह जाए, और ये क्या है, बाकी रह जाए, बाकी, ऐसा नहीं होगा। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, जितने भी इसमें स्टेटमेंट है, कोई ट्रांजेक्शन अगर T1 है, T1 इसमें जितने भी स्टेटमेंट है सारा का सारा एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर एक भी नहीं होना चाहिए, तभी एटॉमिसिटी कहलाएगा। मींस ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप ए से बी के अकाउंट में अगर 1,000 रुपया भेजना चाहते हैं, तो ये नहीं हो कि एक बार में आपका 900 चला गया और एक बार में 100 चला गया, ऐसे नहीं। आप अगर एक बार में 1,000 भेज रहे हैं तो एक बार में 1,000 जाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक बार में 900 चला गया, एक बार में 100 चला गया। हाँ, अगर आप 900 भेज रहे हैं तो 900 ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम नहीं जाना चाहिए, और जितना आप एक बार में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं उतना जाना चाहिए। मीन्स कोई ट्रांजेक्शन में जितना भी स्टेटमेंट है सारा का सारा एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर एक भी नहीं। समझ में आया? एटोमिसिटी क्या है, एक ट्रांजेक्शन में जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है सारा का सारा एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर एक भी नहीं। ठीक है, अब मैं वीडियो में आगे जाऊंगा और देखूंगा क्या एटॉमिसिटी समझ में आया। दिस सेज आइदर ऑल स्टेटमेंट शुड एग्जीक्यूट और नॉट एनी, या तो सारा का सारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए या फिर एक भी नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या है, ए से एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी। द अमाउंट बिफोर ट्रांजेक्शन शुड बी इक्वल टू अमाउंट आफ्टर ट्रांजेक्शन, क्या मतलब है? मीन्स ट्रांजेक्शन के पहले का जितना अमाउंट है ट्रांजेक्शन के बाद का भी उतना ही अमाउंट रहना चाहिए। जैसे जैसे एक अकाउंट है ए, इसमें कितना रुपया है, मानता हूँ 10,000 रुपया है, 10,000। एक अकाउंट कितना है बी, इसमें कितना रुपया है, 5,000, 5,000। अगर इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले अगर मैं पूछता हूँ ए प्लस बी दोनों का सम कितना है, मीन्स दोनों मिला कितना रुपया है, आप कहोगे सर दोनों को मिला कितना रुपया है, 15,000 है, दोनों कितना रुपया है, 15,000। अब मैं कहता हूँ ठीक है, ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में आपको 2,000 रुपये ट्रांसफर करना है, 2,000। ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में कितना करना है, 2,000 ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले क्या होगा,
हमारे एक अकाउंट से 2000 रुपये माइनस होगा, तो एक अकाउंट कितना है 10000, इसमें से माइनस होगा कितना जाएगा 8000, 8000। बी का अकाउंट कितना है 5000, 5000, इसमें 2000 रुपये ऐड होगा, क्योंकि ए में से माइनस करना है और बी में क्या करना है ऐड करना है, ए में से माइनस करना है और बी में क्या करना है ऐड करना है। तो आप कहोगे सर इसमें पहले से दो, इसमें से पहले से 5000 है और 2000 इसमें से आ जाएगा, तो कितना जाएगा 7000, 7000। अब मैं कहूँगा ये पहले का था, ये हमारा क्या था इनिशियल, इनिशियल स्टेज, ये हमारा क्या है फाइनल स्टेज, फाइनल। अब मैं कहूँगा अभी ए प्लस बी को आप ऐड करते हो तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर 8000 प्लस 7000 कितना होगा 15000। तो यहाँ भी 15000 है और यहाँ भी कितना है 15000, यहाँ भी 15000 है यहाँ भी 15000 है, मीन्स इनिशियल ट्रांजेक्शन होने से पहले भी हमारा अमाउंट 15000 है और ट्रांजेक्शन के बाद भी हमारा 15000 ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कंसिस्टेंस है, मीन्स हमारा जो ट्रांजेक्शन है कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहा है। ये नहीं कि आप इसमें से 2000 रुपये माइनस कर दिए, अकाउंट ए से आप माइनस कर दिए और अकाउंट बी में जुड़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ट्रांजेक्शन वैलिड ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर आपने इसमें से 2000 रुपये माइनस किया है तो 2000 इसमें ऐड होना चाहिए और जो पहले का जितना सम ऑफ मनी था दोनों मिलाकर 15000, तो सम ऑफ मनी दोनों मिलाकर यहाँ भी 15000 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं है, ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है सर किसी भी ट्रांजेक्शन को कंसिस्टेंट हम तभी कह सकते हैं जब पहले ट्रांजेक्शन करने से पहले जितना हमारा डेटा है सेम टू सेम उतना ही डेटा ट्रांजेक्शन होने के बाद भी रहना चाहिए, तभी हमारा जो ट्रांजेक्शन है कंसिस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें, आप इसको पढ़ सकते हो, क्या लिखा है द अमाउंट बिफोर ट्रांजेक्शन शुड बी इक्वल टू अमाउंट आफ्टर ट्रांजेक्शन। ए से एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से क्या होगा आइसोलेशन, आई से क्या होगा आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब एक बार में एक, आई से क्या होगा आइसोलेशन, ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन बी इनिशिएटेड एट अ टाइम, एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए, आइसोलेशन, जैसे जब से कोरोना आया था बहुत सारे लोग आइसोलेट हो रहे थे, मींस उनको अकेले एक कमरे में रखा जाता था, अकेले एक स्पेस में रखा जाता था ताकि कोरोना किसी को फैले नहीं उनसे। ठीक है, आइसोलेशन मतलब एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन हो सकता है, अगर एक बैंक अकाउंट है तो उस पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन एट द सेम टाइम नहीं हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं चलूंगा इधर और एग्जाम्पल दूंगा एक, जैसे देखो आप, आपके पास आपका एटीएम कार्ड है या फिर आपके पास आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो उसका क्या है पासबुक दिया होगा, चेकबुक दिया होगा, उसका यूपीआई आईडी कुछ होगा, तो आपके पास पैसा निकालने का कितना तरीका है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अपने अकाउंट से पैसा निकालना है, रुपया निकालना है, कितना तरीका आपके पास है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास पहला तरीका है मैं एटीएम से पैसा निकाल सकता हूँ, मैं यूपीआई से निकाल सकता हूँ, मैं नेट बैंकिंग से पैसा को ट्रांसफर कर सकता हूँ या फिर निकाल सकता हूँ, मैं आधार कार्ड से पैसा निकाल सकता हूँ, आधार कार्ड, मैं पासबुक से पैसा निकाल सकता हूँ, मैं चेकबुक से पैसा निकाल सकता हूँ। आप बोलो सर हमारे पास बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन, तो मैं बोलूँगा ठीक है आपको क्या करना है, आपको एट, जैसे कल आपको क्या करना है 9 बजे, 9 बजे सुबह में, 9 AM में आपको क्या करना है एक साथ ATM से भी पैसा निकालना है और UPI से भी पैसा निकालना है, मीन्स इट शार्प 9 AM एकदम 9 बजे ही आपको क्या करना है ATM से भी पैसा निकालना है और UPI से, दोनों से 1000 निकालना है, दोनों से क्या करना है 1000 रुपये निकालना है, 1000। मैं मान चलता हूँ आपके अकाउंट में कितना है, आपके अकाउंट में कितना है जैसे 10000 रुपये है, 10000। तो आपको पता है कि कोई भी काम होने से पहले आपके अकाउंट को सबसे पहले रीड किया जाएगा, रीड किया जाएगा, तो 10 बजे से 9 बजे से आप रिक्वेस्ट किए, रिक्वेस्ट किए तो ATM कितना आपका रीड किया है, ATM रीड किया आपका 10000 रुपया कि आपके अकाउंट में कितना है 10000। ATM क्या रीड किया कि आपके अकाउंट में 10000 रुपया, 10000, लेकिन आपको कितना निकालना है 1000। उसी टाइम में UPI में आप रीड किए तो UPI भी रीड करेगा तो आपके अकाउंट में कितना रीड करेगा, वो भी उसी टाइम में रीड करेगा तो कितना जाएगा 10000। ध्यान से समझना मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आइसोलेशन का कंसेप्ट। ठीक है, ATM से आपको 1000 रुपये निकालना है और UPI से भी 1000 रुपये निकालना है, सेम टू सेम 9 बजे, 9 बजे आपको निकालना है। आप क्या कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा हमारा अकाउंट ए रीड होगा, अगर आप ATM से निकाल रहे हैं फिर भी आपके अकाउंट को रीड किया जाएगा तो आपके अकाउंट में 10000 रुपये प्लस है। UPI से करेंगे तो भी रीड करेगा कि एट द सेम टाइम आपके अकाउंट में कितना है 10000। अब आपने ATM से 1000 रुपये निकाला, 1000 रुपये निकाल रहे हैं, 1000, तो चूंकि पहले से रीड कर चुका है, पहले से रीड कर चुका है तो फिर अपडेट नहीं हो सकता है, पहले से अगर रीड कर चुका है जब तक ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे ही आपने निकाला आपको कितना हो गया इसमें 9000, 9000, 9000।
लेकिन 9,000 हो गया, लेकिन उससे पहले हमारा यूपीआई एट द सेम टाइम ये भी रीड कर चुका है, ये भी हमारा 10,000 है, अभी 9,000 नहीं है, कितना है 10,000, तो 1,000 यहाँ से निकाल लिया, 1,000 यहाँ से भी, अभी कितना बच गया 9,000, 9,000 मीन्स आपने एट द सेम टाइम एटीएम से भी पैसा निकाल लिया और यूपीआई से भी निकाल लिया, मीन्स 1,000 इससे निकाल लिया और 1,000 इससे निकाल लिया, 2,000 निकाल लिया, लेकिन फाइनल आपका 9,000 बच भी गया, आपका 9,000 कितना बच गया, बच गया, तो आपके पास पैसा था 10,000, 10,000, लेकिन आपने 1,000 एटीएम से निकाल लिया, 1,000 यूपीआई से निकाल लिया, 2,000 निकल गया, लेकिन अभी आपके पास 9,000 बचा है। ऐसे कैसे हो रहा है कि 10,000 रुपया है, आपने 2,000 निकाल लिया और आपके पास 9,000 बच रहा है, मीन्स 1,000 रुपया आपके पास एक्स्ट्रा कैसे बच रहा है? तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मीन्स अगर आप एटीएम से काम कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं उसी अकाउंट से, तो उसी अकाउंट से एट द सेम टाइम यूपीआई से आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यही कहने का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए आइसोलेट होना चाहिए, मीन्स आइसोलेशन प्रॉपर्टी को परफॉर्म करते रहना चाहिए, कि अगर किसी ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया जा रहा है किसी बैंक अकाउंट पर, तो एट द सेम टाइम एक ही ट्रांजेक्शन हो सकता है। अगर आप एटीएम से निकाल रहे हो तो यूपीआई नहीं चलेगा, नेट बैंकिंग और एट द सेम टाइम नहीं चलेगा, आपको मिली सेकेंड्स का भी अंतर आ ही जाएगा, एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन हो सकता है किसी पर्टिकुलर अकाउंट पर। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या करते, 1,000 रुपया एट द सेम टाइम 4-5 ऑप्शन अपनाते और 1,000 रुपया निकाल लेते, सबसे 5,000 रुपया है और 1,000 रुपया निकाल लेते सब, एक ही चीज को रीड करता और 4,000 रुपया हमारे पास बच जाता और 4,000 रुपया हमारे पास आ भी जाता। कैसे? तो ऐसे तो बैंक लूट जाएगा, ऐसे क्या होगा, हमारा बैंक ही लूट जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब क्या किया कि एक प्रॉपर्टी को लॉन्च कर दिया, कि नहीं ऐसे उन्होंने कोडिंग किया, उन्होंने ऐसे ऐप को डेवलप किया, ऐसे उन्होंने प्रोग्रामिंग को डेवलप किया कि एक बार में एक ही ट्रांजेक्शन हो सकता है। अगर एटीएम से ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो चुका है तो उसी टाइम में यूपीआई से नहीं हो पाएगा, उसी टाइम में नेट बैंकिंग से नहीं हो पाएगा, मीन्स उस टाइम में किसी और चीज से ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आइसोलेशन का क्या मतलब है? आइसोलेशन का मतलब है कि एक बार में केवल एक ही ट्रांजेक्शन इनिशिएट हो सकता है। समझ में आया? समझ में आया? अब हमारा चौथा प्रॉपर्टी है डी। डी से मतलब क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी। डी से क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है वंस योर ट्रांजेक्शन इज फेल्ड इट कांट बी कमिटेड, वंस योर ट्रांजेक्शन इज कमिटेड इट कांट बी फेल्ड। मतलब एक बार आपका ट्रांजेक्शन कमिट हो गया तो फेल नहीं हो सकता है, और एक बार अगर फेल हो गया तो फिर कमिट नहीं हो सकता है। जैसे देखो, जैसे आप कहीं गए फॉर्म भरने, जैसे आप फॉर्म अप्लाई किए, जैसे आप फॉर्म क्या करें, अप्लाई करें फॉर्म, आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपका 1,000 रुपया कट गया, 1,000 रुपया कट गया और आपके पास सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, सक्सेसफुल का, सक्सेसफुल का। और जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करके साइबर कैफे से आप घर आए, आप कहाँ है घर, तब आपके पास मैसेज आ रहा है कि नहीं आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जो आपने ट्रांजेक्शन किया है वो फेल हो गया, आपका पैसा वापस आ गया। ऐसा नहीं हो सकता है, मीन्स एक बार अगर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो गया, एक बार कमिट हो गया तो फेल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए ट्रांजेक्शन फेल नहीं होगा। अगर एक बार ट्रांजेक्शन, जैसे आप जा रहे हो, आप जैसे एक एक के अकाउंट से बी के अकाउंट में आप 1,000 रुपया भेज रहे हो, 1,000, आपको एक के अकाउंट से बी के अकाउंट में क्या करना है, 1,000 रुपया भेजना है। जैसे आप भेजने की कोशिश की, आपका नेटवर्क चला गया और ट्रांजेक्शन क्या हो गया, फेल हो गया, ट्रांजेक्शन क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ट्रांजेक्शन ये फेल हो गया है और फिर अपने आप कुछ देर बाद मैसेज आया कि नहीं आपका जो ट्रांजेक्शन फेल हुआ था वो फिर कमिट हो गया, मीन्स जो आप 1,000 रुपया भेजना चाह रहे थे वो नहीं भेजा पाया था, लेकिन अभी भेजा गया है, अभी क्या हुआ है, भेज दिया गया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बार ट्रांजेक्शन अगर फेल हो गया तो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, अगर एक बार सक्सेसफुल हो गया, आपके पास मैसेज आ गया कि हाँ पैसा कट गया है, पैसा चला गया, तो फिर वो फेल नहीं हो सकता है। आपको समझ में आया कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है? एसिड से ए मतलब क्या होता है, एटोमिसिटी, मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन, जितने भी स्टेटमेंट है किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, वो सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे या फिर एक भी नहीं होगा, एसिड। ए से एटोमिसिटी। सी से क्या होता है, कंसिस्टेंसी, मीन्स ट्रांजेक्शन शुरू होने से पहले जितना हमारा डेटा था, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद भी हमारा डेटा उतना ही रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, सो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। आई से आइसोलेशन, मीन्स एक साथ एक ही ट्रांजेक्शन एक बार में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन, अगर एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसमें कम से कम मिली सेकेंड का भी डिफरेंस आएगा ही आएगा, ये नहीं कि एक टाइम पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और डी मतलब क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी, मीन्स एक बार ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल हो गया तो फेल नहीं हो सकता है, अगर फेल हो गया तो ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ठीक
ठीक है, तो मैंने आपको काफी अच्छा से चीजों को बताने की कोशिश किया है, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा बताने का तरीका। मैंने काफी फर्ट्स लगाए हैं इसको समझाने के लिए, बहुत रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपके लिए समझाया है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। और मैं तो कहूंगा यार, जो डीबीएमएस का हमारा कोर्स है डीबीएमएस, इसको आप एकदम शुरू से देखिए, एकदम शुरू से देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। इस बात की मैं गारंटी आपको लिख कर दे सकता हूँ, और आपको डीबीएमएस और जितना भी मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उससे प्यार हो जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। मैंने काफी अच्छा से चीजों को एक्सप्लेन किया, आप जाओ जाकर देखो सारा का सारा प्लेलिस्ट, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि आपके साथ उनका भी हेल्प हो सके, आप सब मिलकर हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।